नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, आप सबका स्वागत है एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम हिंदी में चर्चा करने वाले हैं क्या होगा सभी लग्नों के लिए जब गुरु महाराज वृषभ राशि टॉरस साइन पे गोचर करने वाले हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025। जाने से पहले मैं बताऊंगा कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा करिएगा। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने पहले अंग्रेजी में दिया है एक वीडियो में, तो अगर आप वो देखना चाहते तो वो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जुपिटर इन ट्रांजिट इन टॉरस करके एक वीडियो है, और इसको मैं हिंदी में इसका अनुवाद नहीं कर पाया समय के कारण, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आइए अभी देखते हैं क्या होगा। और उसके पहले मैं ये बता दूं जरूर कि ये आपको आपके चंद्रमा से नहीं देखना है, मतलब आपका जो लगन है, आपका जो असेंडेंट है, जो राइजिंग साइन बोलते हैं, उसको देखना है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका लगन कौन है, कौन सा लगन है आपका, तो आप astrosage.com पे जाइए। उस वेबसाइट में आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं फ्री में, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका लगन कौन सा राशि का आपका लगन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राशि बोलूँगा लेकिन उसको चंद्रमा की राशि से आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो चंद्र राशि या चंद्रमा की राशि से इसको मत देखिए, लगन से ही देखिए, लगन 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 से ही देखिए जरूर। ठीक है, तो अभी चलते हैं पहले राशि पे। तो सबसे पहले मेष राशि, एरीस जोडियक साइन जो है इसका गोचर इस राशि में जो गोचर हो रहा है आपका दूसरे घर में हो रहा है, और दूसरे घर से छठे, आठवें और दसवें घर पे दृष्टि है गुरु महाराज की, और गुरु नौवें और बारहवें घरों का स्वामी है। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो दूसरा घर है, या हम जानते हैं किसका है दूसरा घर, जो है धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, और इसके वजह से आपके घर में जैसे विवाह हो सकता है। अगर आप विवाह करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, विवाह कर सकते हैं। या अगर आप सोच रहे हैं कि कोई पार्टनर आप ढूंढने का कोशिश करें विवाह के लिए, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। और अगर आप वैवाहित हैं ऑलरेडी, अगर तो आप चाइल्ड बर्थ के तरफ जा सकते हो, मतलब संतान उत्पत्ति हो सकती है आपकी, तो इस सिरे से भी ये अच्छा है। और सबसे ज़रूरी है कि दूसरा घर जो है ये धन का भाव है हमारा, तो हमारा जो पूरा सारा संचित धन है जिसको अंग्रेजी में नेटवर्थ बोलते हैं, वो है दूसरा घर। मतलब कि हमारे पास जितना धन लक्ष्मी जितना है, सोना जितना है, जमीन फिर जायदाद जितना है हमारे पास, घर गाड़ी सब कुछ मिला के हमारा जो संचित धन जो है टोटल, उसको नेटवर्थ बोलते हैं, तो वो दूसरा घर उसका है। तो मतलब कि आप ये भी देख सकते हैं मेष राशि के लोग की, अगर आपका ऐसा है कि आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई धन राशि है आपकी, उसको आप उसको लेके आप जमीन खरीदना चाहते हैं, या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसको, या कोई गाड़ी या घर बेच के आप बैंक में पैसा लाना चाहते हैं, तो अदला बदली कर सकते हैं आप इधर से उधर। मतलब जो आपका पैसा है या जो आपका जायदाद है, तो और ये मत भूलिए कि आठवें घर को दृष्टि डाल रहा है, तो इसके वजह से आपको सडन गेन्स मिल सकता है। मतलब कि अचानक से बहुत सारा आपके पास धन आ सकता है कहीं से, मतलब जो आपने सोचा नहीं है। और दूसरा घर आपको मालूम ही है, दूसरा घर से दसवें घर पे दृष्टि है, छठे घर पे दृष्टि है, तो 2, 6 और 10 ये जो 3 घर है, ये ज्योतिष में इनको अर्थ त्रिकोण बोला जाता है, कि मतलब जिससे धन आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या अगर आप प्रमोशन की तलाश में हैं, तो बहुत बढ़िया समय है ये। मतलब कि आपको बहुत अच्छा नौकरी लग सकता है आपका, और प्रमोशन भी बहुत बढ़िया हो सकती है आपकी। इसके अलावा गुरु आपके 9वें और 12वें घर का स्वामी है, तो इसके वजह से नवमेश और द्वादशेश है गुरु, तो वो अगर दूसरे घर में आ रहे हैं, तो इसके वजह से थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपका परिवार संबंधित किसी वजह से आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाए,
या कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रैवल हो जाए, मतलब कि दूर जाना पड़ सकता है आपको, तो उसके वजह से थोड़ा आपको थोड़ा बजट अच्छे से प्लान करना चाहिए आपका। और छठा घर तो आपको पता ही है, वो मतलब जो बीमारी का भी घर है, तो इसके वजह से, और दूसरा घर जो है खान पान का घर है, तो इसीलिए अभी हो सकता है कि आप थोड़ा ध्यान दें अपने खान पान पे। आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए, और जो खाना चाहिए उसमें से क्या नहीं खा रहा है, तो ये सारा चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा दूसरे से छठे पे दृष्टि है, तो छठा का जो है व्यायाम का भी है, अनुशासन का है, तो सुबह उठ के थोड़ा दौड़ लगाना या जिम जाना, योगा करना, ये सारा चीज़ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि 10वें घर पे दृष्टि है, तो बिजनेस वगैरह में आपको बहुत फायदा हो सकता है। फिर 8वें घर पे दृष्टि है, तो स्टॉक मार्केट से आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। और क्योंकि 10वें और 12वें घर का भी संबंध है यहाँ पे, तो इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई लोन ले या कोई बहुत बड़ा खर्चा करे ना, ताकि आप और आगे जाए, आपका व्यवसाय में और बढ़ोतरी हो, तो उसके वजह से हो सकता है आपको कोई लोन लेना पड़ सकता है, क्योंकि छठे घर पे भी दृष्टि है। तो कुल मिला के आपके लिए अच्छा समय है, धनराशि आप बढ़ा सकते हैं, और विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा ही हो गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेष राशि। अभी अभी चलते हैं वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ आपके यहीं पे ही गुरु महाराज है, आने वाले हैं अभी 1 मई से, तो आपका जो ये गोचर है ये आपके लगन में हो रहा है, फर्स्ट हाउस लगन में, मतलब जो आपका बुद्धि है उसके ऊपर गुरु महाराज आ रहा है, और इससे अच्छा शुभ और कोई गोचर है नहीं। तो गुरु पहले घर से 5वें, 7वें और 9वें घर पे दृष्टि डालेंगे आपके, और गुरु जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी है, फिर 11वें घर के भी स्वामी है, तो गुरु एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए, क्योंकि वो लाभस्थान का स्वामी है जो 11वां घर है, तो एकादश एकादश भाव का स्वामी है, एकादशेश होके लग्न पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप पे चारों तरफ से कृपा रहेगी, जैसे मैंने लिखा है ब्लेसिंग्स, तो कृपा रहेगी आप पे, क्योंकि 9वें घर पे भी दृष्टि है। 9वां घर जो आप जानते हैं भगवान की कृपा का घर होता है और आशीर्वाद का घर होता है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप देखेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि कहाँ कहीं से क्या आपका भला हो गया कहीं से, आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे भी मेरा भला हो सकता था क्या, ऐसे भी होता था क्या, लेकिन हो जाएगा, आप देखेंगे। उसके बाद क्योंकि 11वां घर जो है वो एक्सपोनेंशियल गेन्स का होता है, मतलब कि बहुत सारा ऐसा कोई चीज़ जो बहुत आपके लिए लाभदायी हो, तो ये धनराशि हो सकता है, ये नया नौकरी हो सकता है, आपके व्यवसाय में तरक्की हो सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा लाभ ये सब भी बढ़ सकता है, तो कह नहीं सकते क्या होगा, वो आपके कुंडली के जो दशा है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये तो हम बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत आपके जीवन में बढ़ोतरी होगा, आपका ज्ञान का बढ़ोतरी होगा, ज्ञानवर्धक साबित होगा ये आपके लिए। उसके बाद आपका जो 7वां घर है, 7वां घर जो है वो पार्टनरशिप का घर है, तो पार्टनरशिप आपका बढ़ सकता है, दूसरे लोगों से व्यवसाय या जॉब में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी भी तरह का। उसके बाद 5वें घर पे दृष्टि है, तो संतान उत्पत्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा योग है, और 7वें घर पे दृष्टि है तो विवाह के लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि गुरु जो आपको मालूम है गुरु अध्यात्म का कारक है, तो गुरु जब लगन पे आ रहा है, लगन आपका बुद्धि है, तो इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको आत्म साक्षात्कार या आध्यात्म इस तरफ जाने का आपका रुझान बढ़ जाए। और क्योंकि 9वें घर पे भी दृष्टि है, तो भगवान के प्रति आप थोड़ा आकर्षित हो सकते हैं, या तो अगर आप ऑलरेडी कोई सत्संग या धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, और अगर नहीं जुड़े हैं तो ये सही वक्त है जाने का, क्योंकि 11वां घर जो है वो कोई जो धार्मिक संस्था है वो बताती है, तो वो आपके लगन में आ रहा है, मतलब कि सत्संग के लोग आपके पास आ रहे हैं, तो
या तो वो आपके पास आए या आप खुद जाइए, एक ही बात है। तो और अष्टमेश भी है गुरु, तो अष्टमेश लगन में आ रहा है मतलब कि आपका जो कुछ चीज़ों के प्रति आपका जो रिसर्च करने का मन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि जैसे आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आपको और पढ़ने का मन करेगा, मतलब बहुत गहराई में जाना किसी चीज़ को लेके, वो अष्टम भाव या अष्टमेश से हम देखते हैं। तो अगर ऐसा है कि आपको कुछ चीज़ करने का मन है जीवन में और आप संकोच के वजह से या किसी और वजह से, या घर के लोग आपको टोक रहे हैं या आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ को के वजह से आप नहीं कर रहे या कर नहीं पा रहे, तो अभी सबसे सही समय है। अभी वो ऐसा वक्त है कि आप चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे आप। और ऐसा है कि पहले घर से दोनों जो आपके त्रिकोण हैं, पांचवा नौवा, इन दोनों पे गुरु की दृष्टि है, तो इसके वजह से ही अत्यंत शुभ होता है। मतलब कि आपका लक आपके साथ बहुत अच्छा काम करेगा, मतलब जिसको कहते हैं ना किस्मत अच्छी है आपकी ना, तो किस्मत आजमाइए आप अपना। और थोड़ा रिस्क लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं लेकिन डर के वजह से कर नहीं रहे, तो कर दीजिए, शायद हो जाए, ठीक है, क्योंकि लक आपके साथ है। तो ज़्यादा डरिए मत, प्रभु का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत 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 अच्छा है आपके लिए, सबसे बढ़िया है वृषभ राशि का, क्योंकि गुरु लगन में आ रहा है, ठीक है। तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपका जीवन अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। अभी आते हैं, हाँ, हम मिथुन राशि पे, जेमिनाई, मिथुन लग्न का क्या हो रहा है। ये जो गोचर है आपके द्वादश भाव में हो रहा है, बारवा घर जो है वहाँ से चौथे छठे और आठवें घर पे दृष्टि है गुरु की, और गुरु सातवें और दसवें घर के स्वामी हैं। तो दसवां घर का स्वामी, दसवां घर वो होता है जो पद प्रतिष्ठा सम्मान ये सब दिखाता है, तो वो जब बारहवें घर में जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं लेकिन कुछ आपको खर्चा करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आपको मान लीजिए YouTube में एक चैनल खोलना है, आप बहुत अच्छे वक्ता है, आपको बोलने में बहुत अच्छा लगता है या लोग आपकी वाणी बहुत पसंद करते हैं, तो उसे क्या होगा कि आपको आप बहुत अच्छा, आपको सक्सेस मिल सकता है, कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन कुछ आपको खर्चा करना पड़ेगा। मतलब लैपटॉप लेना पड़ेगा, मोबाइल, ये कैमरा वगैरह, अच्छा 4K कैमरा, ये सब लेना पड़ेगा, तो उसमें खर्चा होगा। बारवा घर खर्चा का है। और लेकिन क्योंकि दसवें घर का स्वामी है तो ये जो आप खर्चा करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, मतलब वो बर्बाद नहीं होगा, मतलब वो फिजूल खर्चा नहीं है, वो एक बिजनेस एक्सपेंस जो बोलते हैं हम अंग्रेजी में, वो होता है, मतलब आप व्यवसाय के लिए कोई चीज़ अपने खर्च किया। और छठे घर में दृष्टि है, तो हो सकता है आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ लोन वगैरह भी ले सकते हैं, ऐसा भी संभव है। और क्योंकि आठवें घर पे भी दृष्टि है तो ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन आप कर सकते हैं, मतलब आत्मचिंतन जिसे बोलते हैं ना, तो आत्मचिंतन आप करिए, अपने बारे में सोचिए क्या है आपके जीवन में, क्या आप चाहते हैं करना, थोड़ा मेडिटेशन ध्यान, भगवान के नामों का जप थोड़ा बढ़ा दीजिए, और अगर पॉसिबल है तो कोई सत्संग प्रोग्राम में आप जाइए और आध्यात्म की तरफ जुड़िए आप, क्योंकि आठवां नौवां बारहवां ये जो घर है ये आध्यात्म का घर होता है, तो आत्मचिंतन आध्यात्म ये सब के लिए अच्छा है। फिर व्यवसाय के लिए जैसे मैंने बताया थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है आपका, क्योंकि बारहवें से छठे और आठवें पे दृष्टि है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा सब जैसे बताएंगे शायद कि बढ़िया होगा बढ़िया होगा बढ़िया होगा, ऐसा मैं शायद नहीं बताऊँगा। हाँ, बढ़िया हो सकता है लेकिन कुछ खर्चा होगा, तो इसके लिए आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिएगा। उसके बाद रिसर्च के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि डेप्थ में आप जाइए, चीज़ों को देखिए, चीज़ों को जानिए, परखिए, और सबसे ज़्यादा आप अपने आप को जानिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पिता या माता या आपके कोई नाना नानी दादा दादी कुछ आपको दे दे अपने जमीन जायदाद में से कुछ भी, तो वो हो सकता है। और कोई ना कोई किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं,
मतलब कि आप जैसे मैंने बताया आप कोई लोन ले रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आप घर ले रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि चौथे घर पे भी दृष्टि है और बारहवां घर आप जानते ही है कि खर्चे का है, तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कुछ चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा खर्च कर रहे हैं, मतलब बहुत लाखों या करोड़ों रुपया दे के आप नया घर ले रहे हैं, या तो अपने खुद के धन से ले रहे हैं या तो 20% आप दे रहे हैं या 80%, बाकी 80% बैंक से आप फाइनेंस करवा रहे हैं, वैसा है तो। लेकिन फिर भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना कि 15 साल 20 साल में आपको वापस लोन चुकाना है किस्त दे के। और इसके बाद सबसे बढ़िया ये है कि सातवां घर का भी स्वामी है, तो सातवां घर का स्वामी 12वें घर में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो समय है जब आपको अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने या कोई दूसरा विदेश में आप ट्रिप के लिए जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा जगह है जहां आप दोनों पति पत्नी जाना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया समय है जाने के लिए, क्योंकि 12वां घर जो होता है रिट्रीट या विड्रॉयल के लिए होता है, मतलब आप ना एकांत जिसको बोलते हैं हम, एकांत का होता है, तो अच्छा एकांत मिलेगा आपको, अच्छा से आप एंजॉय कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ें आप देख सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे, तो उस वजह से अच्छा है ये। तो खर्चे पे ध्यान दीजिए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा आप एकांत की तरफ जाइए और भगवान के नामों का जप करिए, ठीक है। मिथुन राशि, ऑल द बेस्ट आपको। अभी आते हैं किस पे, कैंसर, कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क लगन के लिए क्या है, ये सबसे बढ़िया आपका गोचर है वृषभ लगन और कर्क लगन, आप दोनों विजेता है इस गोचर के, क्योंकि वृषभ लगन के लिए पहले जो आपका लगन है वहां गोचर हो रहा है, और आपके लिए कर्क लगन के लिए 11वें घर पे गोचर हो रहा है, एकादश पे गोचर हो रहा है। गुरु का जो गोचर है एकादश पे, सबसे ज्यादा इसको शुभ मानते हैं, मतलब पहले 5वें 9वें और 11वें पे ना सबसे ज्यादा शुभ इसको माना जाता है, क्योंकि एकादश जो होता है लाभ स्थान होता है, वो इच्छा पूर्ति का स्थान होता है, कोई भी आपकी मन में इच्छा हो सकती हो, पूरी हो सकती है, पूरी हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो सुख समृद्धि ऊर्जा और नैतिकता आ सकती है आप में, क्योंकि नवा घर का स्वामी 11वें में जा सकते हैं, तो नवा घर दिखाता है आपके अंदर की नैतिकता, आपका जो धर्म है, आपके अंदर जो विचार है वो 11वें घर में जा रहा है, मतलब कि आप जो सोचते हैं उसको आप अपनी ज़िंदगी में उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, मतलब उसको खाली सोच में ना रखे, उसको अपने जीवन में उतारे उन ख्यालों को, मतलब कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते थे हमेशा लेकिन आपने किया नहीं, तो ये वो टाइम है जब आपको करना चाहिए। और इसके अलावा छठे घर का स्वामी 11वें घर पे है, तो ये बताता है कि किसी भी तरह की कंपटीशन जो स्पर्धा है जिस पे उस पे आप विजयी हो सकते हैं, तो कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, यूपीएससी या कोई भी, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम जो आप देना चाहते हैं, तो उसके उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, हो सकती है आपको बहुत अच्छी सफलता मिले इस पे, क्योंकि वहाँ 11वें घर से गुरु जो है 5वें घर पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो 5वां घर आपको मालूम है क्या है, 5वां घर पूर्व जो हमारे जन्म है उसके जो पुण्य कर्म है उसका घर है, ठीक है। तो 5वें घर को दृष्टि डालने का मतलब है कि आपके पूर्व पुण्य जो है वो निकल के आएंगे और इस जीवन में उसका फल आपको भोग पाएंगे उसको, तो इसके वजह से आपके यहाँ संतान उत्पत्ति का भी योग है, तो अगर आप वैवाहिक हैं और आप चाहते हैं कि संतान हो तो संतान उत्पत्ति हो सकती है आपकी, और 7वें घर पे क्योंकि दृष्टि है तो विवाह का भी योग बन सकता है, तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया समय है। 11वां घर और 7वां घर दोनों ही विवाह का स्थान होता है, तो जब दोनों घरों पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो इससे अच्छा, इससे शुभ और तो कुछ हो नहीं सकता है।
और इसके अलावा तीसरे घर पे भी गुरु की दृष्टि है 11वें घर से। तीसरा घर वो होता है जो आप दूसरों को बताते हैं, जैसा मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, तो मैं अपना तीसरा घर एक्टिवेट कर रहा हूँ और आप क्योंकि मेरे से सुन रहे हैं तो आप अपना नवा घर एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब आप मेरे से कुछ ले रहे हैं, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नवमेश जो है आपका गुरु, नवमेश होके तीसरे घर को दृष्टि डाल रहा है, मतलब लेना देना दोनों काम करेंगे आप, मतलब कि कुछ ज्ञानवर्धक बातें आप कर सकते हैं, यूट्यूब में आप वीडियो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स बना सकते हैं, लिंक्डइन पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं ना, तो कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित काम है वो आप कर सकते हैं, आप किताब लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई पब्लिकेशन आप ये कर सकते हैं फिर क्योंकि छठे घर का स्वामी 11वें में गया है, तो ये जैसे मैंने बताया स्पर्धा स्पर्धा के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन ये नया जॉब, नया नौकरी, नया व्यवसाय ऐसा कुछ करने के लिए भी बहुत अच्छा है, पद प्रतिष्ठा सम्मान उसके लिए तो और भी बहुत बढ़िया है। और क्योंकि 11वें घर से तीसरे घर में दृष्टि डालेगा तो ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया में आप वायरल हो जाए, मतलब मुझे पता नहीं वायरल को हिंदी में क्या बोलेंगे, वायरल मतलब आप जानते हैं कि अचानक आपका वीडियो बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया और सब आपकी चर्चा कर रहे हैं, आप विख्यात हो गए बेसिकली, तो ऐसा हो सकता है। और प्रेम विवाह का भी योग आपका बन सकता है क्योंकि 5वें और 11वें का संबंध बन रहा है, तो कर्क लग्न के लिए बहुत अच्छा समय है, जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, आपके लिए समय शुभ है और भगवान करे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, ऑल द बेस्ट। आज आते हैं सिंह राशि पे, सिंह दहाड़ रहा है क्योंकि गुरु अभी आपके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, करने वाले हैं 1 मई से। सिंह तो ऐसे भी दहाड़ते हैं लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा सिंह सिंह राशि का जो है आपको दिखेगा सिंह जो है बैठे हुए, लेकिन मुझे लगा आपका 10वें घर में गोचर हो रहा है तो एक बैठे हुए सिंह का फोटो में क्यों डालो, एक दहाड़ते हुए सिंह का फोटो डालना चाहिए। तो सिंह जो है दहाड़ता है, कौन से घर पे दहाड़ता है, वो 10वें घर पे दहाड़ता है क्योंकि सूर्य जो होता है आपका जो लग्नेश है सूर्य नारायण जो सबसे जो ग्रहों का राजा है, जैसा सिंह जैसा जंगल का राजा है वैसा आपका लग्नेश भी वो भी ग्रहों के राजा है सूर्य। सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं, 10वें घर में दहाड़ते हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे अरे सूर्य थोड़ी हमारे 10वें घर में आ रहे हैं, ये तो गुरु आ रहा है हमारे 10वें घर में। अरे जी वो भी कम नहीं है, सूर्य और गुरु जो है परम मित्र है दोनों, सूर्य मंगल चंद्रमा और गुरु ये चारों जो है देव की श्रेणी में आते हैं और ये चारों बहुत ही ज्यादा अच्छे मित्र है। तो आपके लग्न में गुरु 5वें और 8वें घर का स्वामी है, पंचमेश है, और पंचमेश का 10वें घर में आने का मतलब है कि राजा जैसा आपका इज्जत बढ़ सकता है, क्योंकि 5वां घर जो है पद प्रतिष्ठा का भी होता है, 10वां घर तो है ही पद प्रतिष्ठा का, लेकिन 5वां घर क्योंकि 10वें से 8वां है तो वो भी बता सकता है, तो प्रमोशन आपका हो सकता है नौकरी में, नई आपकी नौकरी लग सकती है, कोई आपको शक्ति मिल सकती है जिसको पावर पोजीशन जिसको कहते हैं ना, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, कोई लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है ना, नेता बहुत बड़े नेता बन सकते हैं, मतलब पॉलिटिक्स के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ जरूरी, लेकिन कोई भी हो सकता है, आप अपने सोसाइटी के जो आपके नेता नेता है वो बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या आपके अगर आप 20-22 साल से कम के हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपका जो स्कूल है आपका शिक्षालय उसके अंदर आपको ये स्कूल कैप्टन का औहदा मिल सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो और ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि दूसरे और छठे घर पे भी दृष्टि है, तो आपका जो अर्थ त्रिकोण है वो अभी एक्टिवेट हो गया है, मतलब कि दूसरा छठा और 10वां घर, तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन है आपका। और 10वें घर से चौथे घर पे दृष्टि है गुरु का, तो इसके वजह से कोई आप अपने सपनों का घर भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, अगर आपकी दशा शनि या मंगल की है तो ऐसा पॉसिबल है कि आप ऐसा कोई जो
धन या जमीन या ऐसा कोई जायदाद ऐसा जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल सकता है। फिर पांचवा घर तो आप जानते ही है, स्पेकुलेशन का है, स्पेकुलेटिव गेन्स मतलब कि ये जो स्टॉक मार्केट वगैरह है उसका है, तो वहाँ से भी आपको बहुत लाभ हो सकता है और इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, जायदाद मिल सकता है। उसके बाद कोई भी क्रिएटिव साइड हसल आप शुरू कर सकते हैं, मतलब कि जैसा आप नौकरी कर रहे हैं, आप 9 बजे जाते हैं, 6 बजे वापस घर आते हैं, लेकिन उसके बाद आप कुछ ना कुछ, जैसा आपको गाने का शौक है या नाचने का शौक है या कुछ भी आपका ज्योतिष आपको पढ़ने का शौक है, तो ऐसा कोई काम आप कर सकते हैं। आपको जैसा मृदंग बजाना अच्छा लगता है या पियानो या गिटार या बांसुरी बजाना कुछ भी, तो वो करते करते आपका जो अंदरूनी जो आपके आपकी इच्छाएं हैं आपके मन के अंदर आपका जैसा चिंतन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और आप लोग आपको बोलेंगे कि बहुत खुले खुले से रहते हो, क्योंकि 10वां घर जो है वो मैदान है। या तो मैदान में क्या होता है, मंगल 10वें राशि में उच्च के होते हैं, मतलब जैसा सिपाही को मैदान दे दिया है तो वो खुला वार कर सकता है, जंग पे जा सकता है वो किसी के साथ, तो आपका भी मन अभी ऐसा होगा शेर का जैसा दांत उसके बाहर है ना एकदम फोटो में, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो भी ऐसा हो जाएगा, किसी से डरेंगे नहीं आप और आप बोलेंगे अभी मैं जो चाहता हूँ वो मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन सावधानी रखें, दूसरों को हानि ना पहुँचाए और दूसरों से नम्रता और सम्मानजनक व्यवहार करें, ठीक है। तो सिंह राशि आपको ऑल द बेस्ट। वर्गो कन्या लगन, कन्या राशि कन्या लगन के लिए जो गोचर है 9वें घर में हो रहा है, 9वां घर बहुत 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 बढ़िया है, 11वें घर जितना ही बढ़िया है, और वहाँ से पहले घर पे दृष्टि है जो कि आपका लगन है, और 3रे घर पे दृष्टि है और 5वें घर पे, और गुरु आपके 4थे और 7वें घर के भी स्वामी हैं। तो ये 9वां घर हम जानते हैं, 9वां घर जो है वो भगवान का स्थान है, वो हमारे गुरु का स्थान है, वो हमारे पिता का स्थान है, वो हमारे जो हमारे हमारा लक जिसको बोलते हैं हम उसका स्थान है ना। तो गुरु का 9वें घर में आना बहुत 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 ज़्यादा शुभदायी और लाभजनक होता है, एकादश जैसा ही। तो वृषभ राशि मतलब जो कर्क राशि कर्क लगन है उनके लिए एकादश है, आपके लिए 9वां घर है, तो बहुत बहुत बढ़िया समय है आपके लिए भी, और ये हायर एजुकेशन दे सकता है। 9वां घर जानते हैं जो मास्टर डिग्री पीएचडी वगैरह का है उसका है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी जो है आध्यात्म जो है उसका तो उसके चरम तक आप पहुँच सकते हैं। तो अगर आप कोई आध्यात्मिक कोई ऐसी क्रिया आप करते हैं रोज, जैसा कोई साधना करते हैं, तो उसको और बढ़ा दीजिए अभी, या तो आप अपने से बढ़ाएंगे या तो थोड़ा कष्ट करके बढ़ा दीजिए। मतलब जैसे कि आप कोई रोज किसी कोई मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, 1 माला 2 माला 3 माला, तो 3 माला कर रहे हैं तो उसको 6 माला कर दीजिए, मतलब डबल कर दीजिए, 4 कर रहे हैं तो 8 माला कर लीजिए, 8 कर रहे हैं तो 16 माला कर लीजिए, ऐसा है। और ये वो ऐसा समय है जब आपको हो सकता है, क्योंकि 9वें से 5वें घर पे गुरु की दृष्टि है, तो कोई गुरु से आपको दीक्षा मिल सकता है इस समय, बहुत अच्छा समय। उसके बाद क्योंकि 9वां घर ज्योतिष का भी होता है, तो ज्योतिष के तरफ भी आपका रुझान बहुत बढ़ सकता है। खाली ज्योतिष नहीं, कोई भी वेदांग जैसे ना, या कोई भी वैदिक जो शास्त्रों के संबंध की जो कोई भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे आयुर्वेद हो गया या योग शास्त्र, पतंजलि की योग सूत्र हो गए, या कोई योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, रामायण महाभारत, कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको और प्रेरणा दे अंदर से, वो चीज़ पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर 9वां घर से 5वें घर पे दृष्टि है, तो इसके वजह से संतान उत्पत्ति के योग भी बन सकते हैं। कोई आप हॉबी जो आपकी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, मतलब कोई ऐसा काम जो आपको करना बहुत पसंद है, जैसे नाचना गाना या कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना, गिटार बजाना, ढोल बजाना, मृदंग बजाना, कुछ भी जो आपको बहुत पसंद है, चित्र बनाना। इसके अलावा क्योंकि
आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे गुरु महाराज, तो हो सकता है कि क्योंकि गुरु जो है वो मीठा का कारक होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा मीठा वगैरह ज़्यादा खाए तो उसके वजह से आपका शुगर वगैरह थोड़ा बढ़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा उसको आप कंट्रोल में रखिएगा। और अगर खाते भी है तो थोड़ा व्रत रख लीजिए नेक्स्ट डे, अगला दिन, या व्रत के साथ साथ आप थोड़ा परिश्रम, व्यायाम ये सब भी करिए, जिम जाइए, योगा करिए। और क्योंकि तीसरे घर पे दृष्टि है तो किसी तरह का आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, मतलब आप कोई ऐसा चीज़ जो आप स्वयं जानते हैं वो आप दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी है तो अभी आप दूसरे लोगों की कुंडली आप देखना शुरू कर सकते हैं, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये बहुत सही टाइम है आपके लिए। उसके बाद तीसरा और नवा घर तो आप जानते ही है, वो ट्रेवल का होता है ना, तो यहाँ से वहाँ जाना, तो छोटी दूरी लंबी दूरी दोनों दोनों का है। तीसरा घर छोटी दूरी का है, नवा घर जो वो दूर, मतलब आप अगर पंजाब में रहते हैं वहाँ से नागालैंड चले गए, या जम्मू एंड कश्मीर से आप कन्याकुमारी चले गए, वैसा होता है। या तो दूसरे देश भी जा सकते हैं, तो इंडिया से आप भारत से आप अमेरिका जा सकते हैं, या कोई भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, रूस जा सकते हैं, किसी भी कारण। और क्योंकि ये तीनों त्रिकोणों को ये कर रहा है, नौवे घर से नौवा, पहला, पांचवा, तो आपके अंदर की जो बुद्धि है उसको स्थिर करेगा और आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएगा। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, इसका सदुपयोग कीजिए, अपने गुरु से वार्तालाप कीजिए, गुरु से ज्ञान लीजिए, गुरु से दीक्षा लीजिए और शास्त्रों का अध्ययन करिए। ऑल द बेस्ट। उसके बाद तुला लगन आ गया, तुला लगन लिब्रा, तुला राशि, तुला लगन के लिए आपका आठवें घर पे गोचर हो रहा है। उसके बाद आठवें से दूसरा, चौथा और बारहवां घर पे दृष्टि है गुरु का, और गुरु तीसरे और छठे घरों के स्वामी हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो आपका गोचर है ये आपको रिसर्च की तरफ ले जाएगा, कोई किसी भी चीज़ में बहुत डेप्थ में चले जाएंगे आप, मतलब बहुत बारीकी से आपको हर एक चीज़ जानने का मन करेगा। उसके बाद इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, क्योंकि आठवां घर जो है वो इनहेरिटेंस का होता ही है, तो जमीन, कोई जायदाद आपको मिल सकती है आपके माता पिता या दादा दादी नाना नानी से। तो उसके अलावा दूसरे घर पे भी दृष्टि है गुरु की आठवें घर से, तो दूसरे घर पे दृष्टि होने के वजह से आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। आपके जो घर के लोग हैं ना, आपके माता पिता, आपके सास ससुर, उनसे भी आपको लाभ हो सकता है। तो इसके वजह से अगर आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं, कोई व्यवसाय या कुछ भी ऐसा जिससे आपके धन में बढ़ोतरी हो, तो ये बहुत सही समय है, क्योंकि इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और आप, आपके जो दोस्त है या आपके घर वाले हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे आप लाभ ले सकते हैं। और क्योंकि चौथे और बारहवें घर पे भी दृष्टि है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गाड़ी या आपका घर वगैरह आपको खरीदने का मन कर सकता है, उसके लिए थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है आपका। और ये आठवां घर जो है ना, ये अंधकार का घर है, तो अंधकार मतलब कि आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, ये एक साल की आपको लग सकता है कि अरे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं। तो अगर वैसा आपको लगेगा तो आप थोड़ा आत्मचिंतन करिए और थोड़ा अध्यात्म की तरफ आप जाइए, और इसी में आपकी भलाई होगी। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट वगैरह से आपको बहुत लाभ हो सकता है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, या अगर आपने ऑलरेडी पहले ही बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, निवेश कर रखा है पहले, और अभी आप उसको निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। बेच, शेयर बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद बारहवां घर पे दृष्टि है, तो बिजनेस एक्सपेंस आपका बढ़ सकता है, मतलब कि व्यवसाय संबंधित कोई खर्चा हो सकता है जिसके वजह से आपको आगे जाके बहुत बढ़ोतरी मिले।
और फैमिली और इन लॉस के साइड से भी आपको हेल्प मिल सकता है। इसके अलावा चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है आपका, मतलब कि आपका जगह आप बदल सकते हैं ना, अब या तो एक ही शहर में आप घर बदल सकते हैं, या तो आपको दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है, या 12वें घर पे दृष्टि और दूसरा दूसरा देश भी जाना पड़ सकता है। फिर छठा छठा घर का स्वामी चौथे पे देख रहा है और 12वें पे भी देख रहा है, तो होम लोन आप ले सकते हैं घर वगैरह खरीदने के लिए अगर इच्छुक है तो। और क्योंकि तीसरा घर का स्वामी 8वें घर में जा रहा है, तो मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी डील अगर आप साइन करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से साइन करेगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा ना, कोई अगर लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसको लॉयर वगैरह से चेक करवाइए, अच्छे से पढ़िए, और बिना तथ्यों को जाने, बिना जांच परख किए, बिना अपना समय दिए कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा साइन मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि दूसरे घर पे दृष्टि है तो आपका संतान उत्पत्ति का भी योग हो सकता है अगर आपका कुंडली में है, और विवाह का भी योग आपका बन सकता है। और क्योंकि छठे घर का स्वामी होके दूसरे घर पे देख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपका जो परिवार है उससे संबंधित 12वां घर भी इन्वॉल्व है इसमें, तो कोई खर्चा आपका बढ़ सकता है, मतलब कि कोई आपके घर में बड़े बुजुर्ग है जिनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, वहाँ से लेके आना, तो उसमें थोड़ा आपका खर्चा लग सकता है। तो इसके लिए थोड़ा आप सावधानी बरतिए, तुला लग्न के लोग, थोड़ा आप अपना जो धनराशि है उसको संभाल के रखिए, फालतू के फिजूल इधर उधर खर्चे मत करिए, क्योंकि कभी भी धन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट तुला लग्न वाले। अभी चलते हैं स्कॉर्पियो लग्न पे। वृश्चिक वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक राशि पे चलते हैं। क्या हो रहा है आपका, कुछ बताने की ज़रूरत है कि आप समझ गए? तो ये आपके 7वें घर पे गोचर हो रहा है, और गुरु का 7वें घर पे गोचर होना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि 7वां घर जो होता है वो एक्सपेंशन का होता है, मतलब कि जैसा आप अकेले हैं, फिर आपकी शादी हो गई, विवाह हो गया आपका किसी से, तो आप 1 से 2 हो गए, फिर आपके बच्चे हो गए, 2 से 3 4 5 6 ऐसे हो गए आप। और उसके बाद क्या हुआ कि आपके पहले घर पे भी दृष्टि होता है, पहला घर पे दृष्टि होने का मतलब है कि आप थोड़ा सजग हो जाएंगे आप अपने बारे में, कि आप कैसे दिख रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मतलब पहला घर जो आपको पता है क्या है, वो अपना हमारा खुद का घर होता है, हम कैसे दिखते हैं उसका होता है, हमारी सोच कैसा है, तो उसको लेके थोड़ा आप सजग हो जाएंगे, और आप ऐसा चाहेंगे कि लोग आपको अच्छा समझे, लोग आपके साथ अच्छे से पेश आए, थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अभी अपना जो नेटवर्क है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए, मतलब आप जिन लोगों से मिलते हैं उठते बैठते हैं वो थोड़ा बढ़ सकता है आपका, क्योंकि 11वें घर पे दृष्टि है, तो 11वें घर पे दृष्टि है तो आपका नेटवर्क सर्कल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, मतलब आपके अगर 2 दोस्त है तो 2 से 20 हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर विवाह का योग तो इसमें बन ही रहा है, फिर इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप्स का योग बन रहा है, और क्योंकि दूसरा घर का स्वामी है तो कोई बिजनेस आप अकेले भी खड़े कर सकते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड आप हो सकते हैं, या प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, या सोलो प्रेनोर जिसको बोलते हैं, मतलब आपने अपना ही अकेले का कंपनी आपने बना डाला, तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा 11वें घर पे दृष्टि है तो बहुत सारा लाभ आपको हो सकता है, मतलब आपके दोस्तों के मित्रों के थ्रू या आपके घर वालों के तरफ से बहुत सारा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, मतलब कि ये समय ऐसा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि नया जॉब ढूंढे, नया नौकरी आपको लगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है उनको आप बोल सकते हैं कि तुम्हारे कंपनी में कोई नौकरी है तो मुझे दे दो, मैं अप्लाई कर देता हूँ, ऐसा कुछ, या आप अपने दोस्त के साथ मिलके कोई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा गुरु जो है
पहले घर को दृष्टि डाल रहा है और 11वें, तो ये दोनों जो होता है वो पद प्रतिष्ठा लाभ का होता है। तो इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको आपके आपका जो अभी फिलहाल व्यवसाय या नौकरी के समय आपका जो स्तर है, कि मान लीजिए आप मैनेजर हैं, तो आपको बहुत एक बहुत ऊंचा स्तर मिल सकता है। मतलब आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर ना हो के आप पूरा ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ऐसा कुछ ना, बहुत बड़ा कुछ हो सकता है आपके व्यवसाय में। क्योंकि जो सातवां घर होता है वो 10वें घर का 10वां होता है, भवात भवम होता है 10वें घर का। तो इसका मतलब ये है कि वो आपका आरूढ़ा होता है 10वें घर का। आरूढ़ा मतलब कि 10वां घर आपका जो पद प्रतिष्ठा है, जो आप खुद कमाते हो, और 7वां घर वो है आरूढ़ा, मतलब कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं ना। तो कभी कभार आप देखेंगे कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं, तो लेकिन उनको सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनका आरूढ़ा जो है सप्तम, वो अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आपके केस में वैसा नहीं है, अभी दोनों के तरफ से आपको दिखेगा कि बहुत बढ़िया सपोर्ट आपको मिलेगा हर तरफ से। मतलब आप काम भी करेंगे और आपका आरूढ़ा भी बढ़ेगा, मतलब लोग भी ये सोचेंगे कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। फिर इसके अलावा पंचमेश है गुरु, तो आपका स्टॉक मार्केट वगैरह से भी, स्पेकुलेशन से भी आपको लाभ हो सकता है। फिर तीसरे घर पे दृष्टि है, तो कंसल्टिंग की तरफ आप जा सकते हैं, कोई ऐसी सेवा आप दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहला घर है उस पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा आप सजग हो सकते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं। तो हो सकता है अगर आपको लगे कि थोड़ा आपका वजन बढ़ गया है या ऐसा कुछ हुआ है, तो आप जिम जा सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं। तो बढ़िया टाइम है आपके लिए, लोगों से मिलिए और बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह बनाइए और पद प्रतिष्ठा लाभ और धनराशि अर्जित करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अभी हम जाते हैं धनु लगन पे। सेजिटेरियस आपके लिए क्या हो रहा है, छठे घर पे जा रहा है गुरु। छठा घर किसका होता है, छठा घर नौकरी का होता है। तो अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो शुभ समाचार है आपके लिए, नौकरी लग सकती है आपकी धनु लगन के लिए। और दूसरे 10वें और 12वें घर पे दृष्टि है गुरु की, और गुरु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए, क्योंकि गुरु आपका लग्नेश है, चतुर्थेश तो है ही, लेकिन सबसे ज़रूरी आपका लग्नेश है। लग्नेश होने के वजह से क्या होता है, आपका लगन के स्वामी होते हैं, मतलब कि आपके अंदर जो बुद्धि है, आपका विवेक है, आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है, सारा चीज़ जो है वो एक ही ग्रह कंट्रोल करता है, वो है गुरु आपका। तो इसके लिए नया नौकरी आपका लग सकता है, या तो अगर आपके पास एक नया नौकरी है, या आप वही नौकरी में है आप ऑलरेडी, तो आपका बहुत बड़ा प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि छठे से 10वें घर पे भी दृष्टि है। और प्रमोशन मतलब ऐसा होगा कि एक स्तर ऊपर नहीं, दो तीन स्तर ऊपर ऐसा हो सकता है। तो बहुत अच्छा व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है ये। उसके बाद एक चीज़ मत भूलिए, छठा घर जो है वो अनुशासन का है, तो डिसिप्लिन आपको बनाना चाहिए। मतलब कि सुबह एक टाइम पे उठिए, कुछ आप अपना बिस्तर है उसको ठीक करिए, फिर समय से आप नहा धो के खाना वाना खाइए, कोई योगा करिए, जिम जाइए, दौड़ लगाइए, पहाड़ों में जाइए, कुछ ऐसा करे जो मुश्किल है, तो उससे आपके अंदर अनुशासन बढ़ेगा और आपका सेहत अच्छा रहेगा। क्योंकि छठा घर जो है बीमारी का है, तो गुरु जो है वो लीवर का कारक है, फिर गॉल ब्लैडर का कारक है। तो आपका जो लीवर है और गॉल ब्लैडर है वो थोड़ा आप चेकअप करवा लीजिएगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि जब आपके गुरु आपके पहले जिस राशि में थे या है अभी फिलहाल, उसके वजह से थोड़ा आप खान पान पे थोड़ा ध्यान कम दिए, 5वें घर में से थोड़ा और आपका वजन बढ़ गया होगा, हो सकता है, और आपको फैटी लीवर वगैरह होने का आपका चांस है। तो इसलिए एक बार अगर आपके लिए संभव हो तो कोई डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, वो आपके हित में रहेगा। फिर आपका लीवर का भी चेक करवाइए, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लीजिए, शुगर वगैरह कितना ज़्यादा है, बढ़ गया है, कम हुआ है,
हाँ, ब्लड प्रेशर का भी चेक चेकअप करवा सकते हैं, लेकिन शुगर वगैरह का टेस्ट तो आपको करवाना ही चाहिए, H1BC वगैरह ये सब करवाना चाहिए आपको। उसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उससे निजात पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब आपको रोज़ व्यायाम करना पड़ेगा, थोड़ा व्रत रखना पड़ेगा। जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बोलते हैं लोग, कि 18 घंटे तक व्रत रखते हैं, 6 घंटे के अंदर खाते हैं, ऐसा कुछ जो कि हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद वगैरह में बोला ही गया है कि 2 बार खाओ, उससे ज़्यादा नहीं। तो खान पान पर कृपया ध्यान दे और स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे। और इसके अलावा अगर आप नया कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, और आप कोई बिजनेस लोन लेना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। मतलब कि आपको व्यवसाय शुरू करना है और आपके पास धनराशि नहीं है, लेकिन आपके पास पास कुछ ऐसा है जिसको आप ना गिरवी रख के लोन वगैरह ले सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी है तो आपको अच्छा उसमें लाभ मिलेगा। उसके बाद चौथा घर के स्वामी भी है गुरु ना, लग्नेश तो है ही। और छठा घर जो होता है वो आप जानते हैं फोकस का घर होता है, मतलब कि आप एक चीज़ पे डटे रहते हैं। मतलब आप जैसा अर्जुन जैसे थे ना, कि गुणाकेश बोलते थे अर्जुन को, कि वो रात में भी इतने पक्के थे, इतने पक्के धनुर्धर थे कि रात में भी वो निशाना लगा सकते थे किसी भी चीज़ पे। तो वैसा आपको फोकस लाना पड़ेगा, मतलब आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो थोड़ा आपको लग सकता है कि आपका संतुलन बिगड़ गया है, मतलब कि मानसिक संतुलन नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उसके वजह से आप थोड़ा ध्यान लगाइए और नोट्स बनाइए, पेन और पेपर लेके अच्छे से लिखिए क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं है आपके पास, तो उस तरीके से अच्छे से प्लान करिए, ठीक है। तो जितना आप प्लान करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। धनु लगन, आपको शुभकामनाएं, सेहत का ध्यान रखिएगा बस। उसके बाद मकर लगन, मकर राशि के प्रिकॉर्न क्या हो रहा है आपका, पंचम स्थान पे गुरु का गोचर हो रहा है, वाह वाह वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और पंचम स्थान लगन 9वां और 11वां सबसे शुभ गोचर होता है गुरु का, और पंचम स्थान तो आपको मालूम ही है वो प्रेम का घर है, फिर संतान का घर है। तो यदि आप किसी तरीके के प्रेम संबंध में जुड़ना चाहते हैं तो ये सही समय है। और 11वें घर पे भी दृष्टि है 5वें से, तो इसके वजह से विवाह वगैरह का भी योग बन रहा है, तो लव मैरिज हो सकता है आपका। और अगर आप अरेंज मैरिज करने का प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भी सही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि विवाह के लिए समय उपयुक्त है आपका। अगर आपका दशा अच्छा है, दूसरे 7वें 11वें घर की दशा आपकी चल रही है तो बहुत अच्छा समय है आपका विवाह करने के लिए। और 5वां घर जैसे आप जानते हैं संतान का है, तो अगर आप शादीशुदा है, विवाहित है, तो आप अपनी गृहस्थी बढ़ा सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। और अगर आप चाहते कि नहीं, हो गया 2, 1, 3 बच्चे हो गए हमारे और संतान नहीं चाहिए, तो संतान के साथ आप समय व्यतीत करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। उसके वजह से आपको अंदर बहुत सुख मिल सकता है, क्योंकि 5वां घर जो होता है सुख का भी होता है। तो अभी एक ऐसा समय है जिसके वजह से आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या चीज़ है जो करके आपको खुशी मिलती है, ऐसा क्या है, ऐसे कैसे लोग हैं जिनसे मिलके आपको खुशी मिलती है। तो वैसा अगर आप अपने आपको पूछे तो आपको दिखेगा कि कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है जिसके वजह से मुझे खुशी मिलती है, या ना जो ये काम है जैसा नाचना गाना या चित्र बनाना या कुछ भी हो सकता है, वो यूट्यूब में वीडियो बनाना या कोई ग्राफिक्स का डिज़ाइन करना कुछ भी, या खाना बनाना या घूमना फिरना। तो ये जो साल है आपके लिए, मई से मई, मई 2024 से मई 2025, ये आपके लिए ऐसा समय है जो जब आप बाहरी चीज़ों के बारे में थोड़ा कम सोचे और अंदर के बारे में ज़्यादा सोचे, मतलब कि जो मकर लगन है के लोग, आपको लग सकता है कि पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में आपने बहुत कोशिश किया, बहुत सारा चीज़ हुआ आपके जीवन में,
और लेकिन वो सब के चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए कि आप कौन थे, एक इंसानी तौर पे आप कौन थे, आप क्या कर रहे थे, वो आप भूल गए। तो अभी वो समय है जब आप खुद को रीडिस्कवर कर सकते हैं, मतलब डिस्कवर योरसेल्फ जो बोलते हैं ना, कि आप खुद को ढूंढ रहे हैं। तो आध्यात्म पे जाइए की तरफ जाइए, पांचवे से नवे घर पे दृष्टि है। नवा घर गुरु का होता है, पंचम जो घर है वो दीक्षा का होता है, आप जानते हैं। तो गुरु से दीक्षा लीजिए, आध्यात्म की तरफ जाइए, ध्यान चिंतन ये सब की तरफ बढ़िए, मेडिटेशन करिए, भगवान की आराधना करिए, पूजा अर्चना ये सब आप कर सकते हैं। फिर 11वां घर तो आप जानते ही है, लाभ स्थान है, सबसे बढ़िया घर है। तो 11वें घर पे दृष्टि है, तो 11वां घर लाभ स्थान है, तो किसी भी प्रकार का लाभ आपको हो सकता है, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा तीसरा घर का स्वामी 9वें घर और 12वें घर पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपका बहुत सारा ट्रैवल आपका बढ़ सकता है, मतलब कि जो आप एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, या दूसरे देश में जा सकते हैं, या दूसरा कॉन्टिनेंट में भी जा सकते हैं ना। तो आप दिल्ली से बैंगलोर जा सकते हैं, या दिल्ली से लंदन जा सकते हैं ना, कहीं से भी कहीं आप जा सकते हैं। तीनों ट्रैवल के घर हैं, यातायात, तो वो आपका बढ़ सकता है। और क्योंकि 12वां घर का स्वामी है, पंचम में आ रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा आप खर्चा वगैरह करें, अपना क्रिएटिव जो आप चीज़ें करना चाहते हैं अपने मन के लिए, अपने मन के खुशी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप थोड़ा खर्चा करें, और आपको करना भी चाहिए। तो मकर लग्न के लिए सबसे ज़रूरी संदेश मैं यही दूंगा कि अपने अंतरात्मा से पूछिए वो क्या चीज़ें जो करके आपको खुशी मिलती है। इसके अलावा तो ये सब है ही, सोशल मीडिया पे आप जा सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा वक्ता बन सकते हैं, नाम प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि लगन और 11वें घर पे भी दृष्टि है। हायर एजुकेशन, मास्टर्स, PhD ये सब आप कर सकते हैं ना। लेकिन सबसे ज़रूरी है ये जान पाना कि आप सुबह क्यों उठते हैं, पांचवा घर वो बताता है। तो अगर आप वो नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। तो इसीलिए आप फोकस करिए कि लाइफ में आपको क्या करना है, और उसके अनुसार आप कार्य करिए, ठीक है। आपके लिए बहुत सफलता पूर्वक समय होगा ये। ऑल द बेस्ट मकर लगन। अभी एक्वेरियस कुंभ लगन के लिए बड़ा सुंदर घर है। तो क्योंकि आपके घर में गोचर हो रहा है, कौन से घर में गुरु गोचर कर रहे हैं, आपके घर के घर, मतलब कि चौथा घर जो घर का घर होता है उसमें गुरु का गोचर हो रहा है। तो आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका घर है, उस एरिया में गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु जहाँ भी आता है, आते हैं वहाँ पे बढ़ोतरी हो जाता है। गुरु वर्धक का कारक है, मतलब चीज़ों को बढ़ा देता है, एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं हम। तो आपका बढ़िया एक्सपेंशन हो सकता है चौथे घर में। आप अगर घर लेने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि 12वें घर पे भी दृष्टि है, तो 12वां घर जो है खर्चा का है, तो आपका धनराशि जा सकता है इसमें। फिर वाहन संबंधित खर्चा भी हो सकता है। तो अगर आपका शनि मंगल का दशा चल रहा है तो घर आप ले सकते हो, और अगर शुक्र की दशा चल रही है तो वाहन आप ले सकते हैं, व्हीकल, गाड़ी। उसके बाद चौथा घर जो है वो ज्ञान का भी होता है, क्योंकि वो माँ का घर होता है, और माता, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि माता परम गुरु होती है, वो पहली पहली गुरु होती है ना, माता सबसे पहला। तो इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको किसी किसी चीज़ को लेके आपको ज्ञान लेने का ज़रूरत पड़ सकता है, मतलब कि आपकी नौकरी चल रही है, तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन करने का ज़रूरत पड़ सकता है आपको, या कोई नया टेक्नोलॉजी सीखना पड़ सकता है, नया ऐसा कोई स्किल आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा आपको, जिसके वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है। क्योंकि 11वें घर का स्वामी है गुरु, और 10वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो ये अत्यंत शुभ होता है। जब भी 10वें और 11वें का संबंध होता है तो सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। फिर
फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप जा सकते हैं, R&D जिसे बोलते हैं, मतलब कि बहुत आप रिसर्च कर सकते हैं कि क्या चीज़ें कैसी है, कैसे काम करती है, आप उसमें कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फिर रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग की तरफ आप जा सकते हैं, मतलब आप ये इसका हिंदी में अनुवाद मुझे पता नहीं क्या है ये बट जैसा वो होता है ना कि आप जमीन लेके उसमें घर बनाते हैं, फिर दूसरे को किराए पे डाल देते हैं, या दूसरे को घर बना के आप बेच देते हैं, तो उस टाइप का मतलब जमीन या घर संबंधित काम जो रियल इस्टेट होता है वैसा आप कर सकते हैं। फिर आप निवेश भी कर सकते हैं, जैसा आजकल आता है ना रीट्स बोलते हैं उसको, REIT करके, स्टॉक जैसा आप खरीद सकते हैं फिर बेच सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। फिर 12वें घर पे दृष्टि है चौथे घर से, तो इसका क्लियर मतलब हो सकता है कि आप एक दूसरे देश में जाके आप अपना हायर एजुकेशन, मतलब आप बैचलर डिग्री है आपके पास, फिर आप मास्टर डिग्री के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आप जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। फिर फिनटेक या एड्यूटेक के रिलेटेड आपको ज्ञान मिल सकता है, मतलब फिनटेक जो हो गया, मतलब आपकी जो धनराशि है, आपका जो व्यवसाय है उसको कैसे मैनेज करें, उस एरिया में आपका ज्ञान की बढ़ोतरी हो सकती है। एड्यूटेक हो गया मतलब कि जैसा आप कोई ऑनलाइन कोई आप कोर्स आप बनाना चाहते हैं, फिर उसको आप बेचना चाहते हैं ना। और क्योंकि 8वें घर पे भी दृष्टि है तो रिसर्च तो है ही, और क्योंकि 8वां 12वां घर जो है वो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का होता है, अंग्रेजी में जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम, मतलब कि थोड़ा आपका चेंज हो सकता है, मतलब थोड़ा नौकरी में बदलाव हो सकता है, आपका दूसरा नौकरी आपका लग सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बताया दूसरे देश आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप दूसरे देश कोई नया नौकरी ढूंढने के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और चौथा घर जो है वो आपकी माँ का स्थान है, तो माँ को समय दीजिए, माँ से बात करिए, हो सकता है कि आपके माताश्री का स्वास्थ्य में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़े उम्र के हिसाब से, तो थोड़ा उसके लिए आप अपने आप को फ्री रखिएगा, थोड़ा धनराशि भी जा सकता है उसमें, क्योंकि 12वां घर पे भी दृष्टि है। तो ओवरऑल कुल मिला के देखे तो बढ़िया समय आपके लिए घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, और ज्ञान लेने का, और रियल इस्टेट में जाने का, और नौकरी बदलाव करने का, और आपकी माँ के साथ समय बिताने का। तो ऑल द बेस्ट कुंभ राशि, कुंभ लगन। अभी चलते हैं मीन लगन की ओर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में आखिरी हमेशा आखिरी मीन लगन, लेकिन गुरु का तीसरे घर में गोचर हो रहा है। शास्त्रों में अगर आप तीसरा घर देखे गुरु के लिए तो उसको मरण कारक स्थान बताया गया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु महाराज मर गए मतलब कि गुरु बर्बाद हो गए, इसका वो मतलब नहीं है, मतलब कि तीसरा घर वो मरण कारक स्थान वो होता है जहाँ पे आपको आपको अपना अहंकार थोड़ा साइड में रख के आपको थोड़ा हम्बल बनना पड़ता है, मतलब नम्रता पूर्वक आपको बिहेव करना पड़ सकता है। अभी इसमें क्या हो सकता है कि तीसरा घर क्या है, तीसरा घर बोलने का है, मतलब कोई वक्ता जो है ना कंसल्ट करता है किसी को, वो है। लेकिन गुरु आप देखें, गुरु तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, तो ये मरण कारक स्थिति क्यों बताया गया है? मतलब कि तीसरा घर जो है वो कभी कभार हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हम जिसका ज्ञान हमें खुद नहीं है, या तो कभी कभार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हम खुद अपने जीवन में नहीं उतारते। तो इसीलिए गुरु जब तीसरे घर में गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है वक्ता बनने का, लेकिन ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि आप उन्हीं बातों का प्रचार करें जिसका आचार आप खुद कर रहे हैं, वरना आपको दंड मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं लेकिन आप खुद कुछ अंदर अंदर गलत काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद लग्नेश है आपका गुरु और 10वें घर के भी स्वामी है, तो बहुत अच्छा आपको सफलता मिल सकता है। 11वें घर पे भी दृष्टि है, और इसके अलावा
जैसा फेसबुक, एप्पल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सारा जो बड़ा बड़ा कंपनी है, इनके इंटरव्यू पे आप जा सकते हैं। तीसरा घर जो है ना, वो इंटरव्यू का होता है, मतलब कोई अच्छा इंटरव्यू आपने क्रैक कर दिया वैसा हो सकता है। फिर कंसल्टिंग तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद सोशल मीडिया होता है, मतलब कि आप किसी चीज़ को लेके आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो यूट्यूब में चैनल खोला आपने, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में पेज खोला, ऐसे करके आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बहुत बढ़ने लगे। तो ऐसा हो सकता है कि तीसरा घर जो है वो करेज का होता है, मतलब कि हिम्मत करके आपने कुछ कर दिया, तो स्टार्टअप का होता है। फिर एक्सपेंशन, मतलब बढ़ोतरी हो सकती है आपकी ना, क्योंकि सातवें घर पे भी गुरु की दृष्टि है। और इसके अलावा क्योंकि दसवें घर के स्वामी हैं और 11वें घर पे दृष्टि है, 9वें घर पे भी है, तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए आपको। मतलब अच्छा से आपको प्लान करना चाहिए कि मैं ये 6 महीने क्या करूँगा, अगला साल क्या करूँगा, उसके 2-3 साल में क्या करूँगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब प्लान के अनुसार ही चले, लेकिन एक एक बात ये ज़रूर है कि आपको प्लान तो करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं ना, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल ना। मतलब अगर आप प्लान करते ही नहीं है, तब तो फेल होंगे ही आप कुछ भी करने में लाइफ में। और कोलैबोरेशन आप अच्छे से करिए, मतलब कि दूसरों से मिलके कुछ आप काम करिए, मतलब आपका व्यवसाय है तो उसको एक्सपांड करिए एक जगह से दूसरा जगह। और इसके साथ आप ये मत भूलिए कि 9वें घर पे भी दृष्टि है और 11वें घर पे। 9वां जो है वो आपका भाग्य का स्थान है, फिर 11वां जो है लाभ का स्थान है, तो इसीलिए बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। आपके आंतरिक जीवन में भी जैसा सप्तम भाव पे दृष्टि है, तो विवाह का योग आपका बन सकता है। फिर 9वां और 11वां जो है वो संतान उत्पत्ति का भी घर है, तो संतान भी आपको हो सकती है। तो मीन लगन के लिए आप ये देखिए कि आप कोई ऐसी सेवा, जो कोई सर्विस आप दूसरों को दे, उससे आपकी धनराशि में बढ़ोतरी होगी। कोई कंसल्टिंग आप कर सकते हैं और सोशल मीडिया में आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन खाली एक बात का ध्यान रखें कि सोच समझ के बोले, इधर उधर की बात ना करें, तब बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और प्लान अच्छे से करें चीज़ों को, और उसके बाद एग्जीक्यूट करें। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हैं, तो कोई विश्वसनीय लोग जो है, जो उनसे सलाह सलाह लीजिए आप ना, किसी आपके गुरु या आपके माता पिता या कोई ज्योतिषी भी हो सकते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं। ऑल द बेस्ट।